स्वागत है आप सबका बादशाह ब्रोकिंग के एक और बढ़िया स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। टाइम बिना ख़राब किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों को डैशबोर्ड चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या जिन लोगों को ऑर्डर प्लेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, कस्टमर केयर से संपर्क करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, यूट्यूब के ऊपर एक हमारी वीडियो है जिसमें डैशबोर्ड को प्रॉपर ऑपरेट करना कैसे है वो सारा उस वीडियो के अंदर आपको मेंशन है। और हम लोग आज शाम को वो कंटेंट बना रहे हैं ऑलरेडी कि आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है या डैशबोर्ड को ढंग से और कैसे रिफाइन तरीके से यूज़ करना है। जो नया डैशबोर्ड हमारा आया है इंटरफेस, ये वीडियोस आपको कल दिख जाएंगी वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बस एक दिन का और इंतज़ार करना, जो कल आपको नज़र आ जाएंगी उससे सीख सकते हो आप। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम लोग कभी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं नहीं करता बट वैसे बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनका एक माइंडसेट होता है। और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से ना आपको दो चार अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। जैसे पहली चीज़, उस पैसे को तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं करना जिसकी हमें नियर टर्म के अंदर ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना एक इलिक्विड एसेट है। वो आप सोचोगे रातों रात अगर आपको कभी भगवान ना करे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो वो प्रॉपर्टी लिक्विडेट इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और अगर रातों रात वो लिक्विडेट होगी तो वो फ़ायदे के बजाय आपको घाटा देकर जाएगी। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लिक्विड होगी जाके 60-70 लाख रुपए में, सेंस नहीं बनती। अब क्या होगा कि दूसरी चीज़ ये सिखाती है प्रॉपर्टी कि हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। प्रॉपर्टी के अंदर ना जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यही सोच के करता है यार 5-10 साल बाद देखेंगे क्या होगा, तो वो फर्स्ट डे से ही माइंड सेट रहता है। अच्छी चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें ना ट्रेडिंग नहीं होती है। प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि शेयर बाजार की तरह वहाँ कोई स्क्रीन नहीं लगी है कि टकाटक रोज लगे रहो ट्रेडिंग करते रहो, वो काम वहाँ होता नहीं है। क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग की फैसिलिटी बाई चांस सोचो आ जाए तो आप तो 15-20 करोड़ रुपए के घर ठाँ ठाँ करके सुबह से शाम में ही बेच दोगे, तो भाई वो काम करने से ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है। अब इसको शेयर बाज़ार के साथ कंपेयर कर लो। जब शेयर बाज़ार के साथ आप कंपेयर करोगे ना तो यही चीज़ें शेयर बाज़ार में लागू कर लो भाई, मजाक नहीं कर रहा। दिमाग जो है, सोच जो है, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वाली रख लो और पैसा शेयर बाज़ार में लगा लो। मज़ा ना आ जाए तो कह देना भाई रापचिक। पैसा वो लगाओ शेयर बाज़ार में जिसकी आपको नियर टर्म में ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करो 5-10 साल का लॉन्ग टर्म विजन के साथ, फर्स्ट डे ही अपना माइंड प्रिपेयर रखो। तीसरी चीज़ क्या है, ट्रेडिंग से हाथ जोड़ लो मेरे भाई। ये सुबह से शाम तक जो आप अपने आप को शेयर बाजार के धुरंधर समझ बैठते हो, शाम तक सारे बिल्ली बन जाते हैं, भाई साहब हमारा इतना लॉस हमारा इतना लॉस, क्यों ये क्यों करना, ये बताओ कोई सेंस है इस चीज़ की। जब आपको खुद भी ये बात पता है कि यार ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जुए में तब्दील हो जाती है जब आप प्रिडिक्ट करने लग जाओगे। प्रिडिक्शन क्या होती है यार, ये अभी आधे घंटे बाद ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, प्रिडिक्शन से ज़्यादा तो नहीं है। अब जहाँ प्रिडिक्शन आ गई तो वो तो जुआ ही है ना भाई, और क्या, उसके तो सिक्के के दो पहलू वाली बात होगी। तो भाई अपना विजन ऐसा रखो कि आपके लिए जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है ना वो 90% खत्म हो जाए, जो कि लॉन्ग टर्म में हो जाती है। जब आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो अपने माइंड को फर्स्ट डे से प्रिपेयर कर लो कि भाई ये पैसा तो मैंने 5-10 साल तक छेड़ना ही नहीं है, ख़त्म होगी बात। इस तरीके से शुरुआत करो तो भाई आप समझना कि दिमाग बस अपना ना प्रॉपर्टी इन्वेस्टर की तरह रख लो, या किसी अपने दोस्त यार जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो उसके साथ आधा घंटा बिताया हो जाके, वो बंदे से बात कर ले, पूछ लो कि भाई आपका विजन क्या होता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। आपको वो यही चीज़ बताएगा कि भाई साहब लेके रख देनी है, फिर उसके बाद जब महंगा रेट होगा तो हम बेच देंगे, बीच में खरीदार ढूंढते रहेंगे। तो वो टाइम देते हैं हर चीज़ को। प्रॉपर्टी का काम ओवरनाइट नहीं होता, अभी खरीदी बेची ये सब नहीं चलता प्रॉपर्टी में। बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। जो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हम तो शेयर बाज़ार वाले हैं, हम तो ये कहेंगे कि भाई शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि भाई शेयर बाज़ार के अंदर प्रॉफिट ज़बरदस्त होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है और अच्छे से सारा काम हो जाता है। लेकिन मेरे, और रिस्क भी है जो हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर से सीख लो, हकीकत बता रहा हूँ। जो डिसिप्लिन होता है ना काम करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, वो एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर से सीखो, वो आपको सही ज्ञान देगा कि भाई कैसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है। उसको फर्स्ट डे ही ये बात पता होती है, पर शेयर बाजार में आके स्क्रीन चल रही होती है वहीं लगता है टका टक गया भाई साहब पबजी खेलूंगा मैं, कर लो फिर डीमेट अकाउंट खाली होता है, फिर उसके बाद पैसे काम करने के भी नहीं बचेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा काम करोगे ये आप ऐसे करके, ट्रेडिंग मत करो मेरे भाई। हमें
अपनी जो है ये शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा प्यार है, और हम चाहते हैं हमारे साथ कोई भी क्लाइंट जुड़े तो वो पैसा ज़रूर कमाए। हम लोग ये ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं कि भाई जो लोगों ने ट्रेंड बना दिया, आए शेयर बाजार में गवाए चले गए, जी शेयर बाजार तो जुआ है, भाई जुआ आपने खेला, शेयर बाजार थोड़ी जुआ है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म की सोच रखो, डैशबोर्ड पर लॉग इन कर लो बादशाह ब्रोकिंग के, और हमारे साथ हाथ मिला लो आप लॉन्ग टर्म के लिए। दिल से बता रहा हूँ, दिमाग से बता रहा हूँ, हम हमेशा पैसा कमाएंगे मेरे भाई। प्लीज़ जो है अपनी सोच को लॉन्ग टर्म रख लो, जुड़ो पैसा कमाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में, और जैसा आपको बताया कि वो जो व्लॉग होगा वो प्रॉपर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा कि डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। जय हिंद।